हाय, हेलो, कैन समवन गिव मी अ थम्स अप सो आई नो. यस, सो गुड इवनिंग मिस्टर मोहन. And yes, Sasri Akaal, Adab, Namaste, and good evening to all my Sur and Sangam family. Well, it's such a pleasure being here today. I guess I am audible, right? Okay, so I mean, I am just feeling so great. I'm feeling after seeing you all after ages, you know. And the best thing is that first of all, I would just like to begin with a small kuch panktiyan hai Mr. Dinesh Raheja ki, bahut hi khoobsurat hai aur gaur se suniyega. Pal ke palkon par ek aur palak hota hai. पल के पलकों पर एक और पल होता है. पल के पलकों पर एक और पल होता है. एक कल गया तो एक और आता है. एक कल गुजरा तो एक और कल आता है. जो पल खर्च हुआ वही सच है. जो पल खर्च हुआ वही सच है. पर सपने देखने में क्या हर्ज है ना? सपने देखने में क्या हर्ज है? कितना सच है ना कि हम सपनों के ज़रिए हमारी दुनिया कायम करते हैं. और सबसे पहले तो आई एम रियली ग्लैड एंड यस आई वांट टू स्पीक अ लॉट. सो यस आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, यू नो. सो सबसे पहले तो वी हैव टू ऑल हैव अ पैट ऑन अ बैक. व्हाई? बिकॉज सुर एंड संगम हैज़ रीच 2.5k members. Wow, we are such a big family now, right? And it's such a pleasure to be in such a, you know, great group. And the best thing about this group that I like is that Mr. Mohan and all the, you know, core team members, they are so cooperative, they are so democratic, and we are all connected like a family, you know. So that's the best thing. Another thing is that nobody is judging you here. You are living your passion, okay? Whether you are a bathroom singer or I would say a good singer or a professional singer. Professional to theek hai, host bhi sakte hai, you know, to enhance your skills, you can. But whatever you are singing, you are living your passion, and you are enjoying, you are entertaining yourself and others. That's the best thing I like. So, aur ek baat kehna chahungi ki isliye yahan pe hame bada maza aata hai. बड़ा मज़ा आता है. आई वॉज रियली मिसिंग इट. आई जस्ट कंट, यू नो, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से दैट आई वॉज मिसिंग एवरीबॉडी एंड यू ऑल एंड माई सिंगिंग. एंड और एक कहना चाहूँगी कि क्यों ना आज हम कुछ अलग बने. खुश रहने की सलाह देने के बजाय हम वजह बन जाए. जैसे मैं आज आपकी खुशी की वजह बन के आई हूँ, है ना? आप खुश हो ना, आप लोग मुझे देख कर? यस. तो आप सभी, यू ऑल आर वेरी ग्रेट सिंगर्स. आई कैन सी द फर्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई गेव एंड राइट नाउ व्हेन आई सी माय वीडियो आई सेड वाओ, यस बानो, यू आर डूइंग ग्रेट. और इसी तरह आई हैव सीन ऑल द सिंगर्स. यू ऑल आर रॉकिंग सिंगर्स. यू सिंग सो वेल, यू नो, एंड इट्स रियली बूस्ट अ मोरल टू लाइक बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. सो अनदर थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आप सभी सिंगर्स, लाइक हमें वैरायटी ऑफ सिंगर्स चाहिए, राइट? नहीं तो इतने सारे सिंगर्स नहीं होते. हर एक की अपनी एक यूनिक क्वालिटी है. कोई
परफॉर्मर है, किसी का आलाप बहुत अच्छा है, कोई तान करता है, कोई डांस करता है और वो गाते हैं, अपने दिल खोल कर गाते हैं, कोई रॉकिंग परफॉर्मेंस सभी देते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए अभी आप सभी सिंगर्स के लिए मैं ये चाहती हूँ, आज का थीम है हैप्पीनेस। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज़ ऑल विद इन यू। आई जस्ट थिंक इट्स विद इन अस, ऑल द पावर इज़ विद इन अस। इफ आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ हैप्पी, आई हैव कैन बी हैप्पी। Now related to songs, I would just say that, you know, it is we artists, we singers are so lucky that we can also, you know, depict the happiness and sadness and the emotions through the songs. So that's the best thing which I like. And one more thing, as I said, we all have our unique style of singing, you know. कोई ऐसा अच्छा बुरा नहीं है, सभी अपने अपने अंदाज में अपनी तरह गाते हैं और हमें तो लता आशा ज़रूरी नहीं है कि हमें उनकी तरह गाना है। यस, उनके गाने गाना है लेकिन हमारी अंदाज में, हमारी आवाज़ में, और हमें अपनी पहचान बनानी है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा जिंगल बनाया है, ऑन द स्पॉट बनाया है, सो आई डोंट नो यू माइट लाइक इट, यू माइट नॉट लाइक इट, बट जो भी कुछ है मैंने कोशिश की है कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा ज़रूर ही। उसके पहले एक छोटी सी और एक शायरी कहना चाहूँगी कि नफ़रत करके क्या मिलेगा दोस्तों, नफ़रत करके क्या मिलेगा, करना ही है तो माफ़ कर, रहम कर, सब्र कर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरे से प्यार कर, क्योंकि जो ये प्यार की दौलत है ना, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। और हम जब इस दुनिया को छोड़कर चले भी जाते हैं ना, तो सिर्फ ये यादें, ये बातें और ये मोहब्बत एक दूसरे के ज़रिए जो हम जाहिर करते हैं, वही हमारे बीच रहता है। तो चलिए अब ये जिंगल आप सभी लोगों के लिए है आज के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिंगर्स, एक से बढ़कर एक भाई सिंगर्स है यहाँ पर। तो एंड इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जिंगल सुनाना चाहूँगी। और आप लोगों से एक बात कहूँ कि मैं अगर बकबक करने लग जाऊँ ना, तो मोहन जी ने जितना टाइम दिया है ना, उससे डबल टाइम हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने जब ये लिखा है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर मुझे आप लोगों को सुनाना है। तो चलिए सुनिए। जैसे चाय के लिए टोस्ट जरूरी होता है, वैसे हर एक सिंगर जरूरी होता है। कोई रफी साहब जैसे सूदिंग नोट्स लगाए, कोई किशोरदा जैसे यूडलिंग से गाए, कोई लता जी, श्रेया जी, अलका जी जैसे हाई नोट्स गाए, कोई गीता जी, आशा जी जैसे मस्ती भरे नगमे सुनाए, कोई सुनिधि जैसे मन को छा जाए, कोई सोनू उदित की कॉपी मारे, कोई राहत फतेह अली जैसे तान लगाए, कोई हेमंत महेंद्र जी जैसे जोश में गाए। तो जो भी आप गाए बस दिल से गाए, जोश में गाए, और अपनी गाने के जरिए बातें पहुँचाए। सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, मारो गोली लोगों को यार, अपने लिए गाओ, अपने दिल के लिए गाओ, बस दिल से दिल तक गाओ, क्योंकि हर एक सिंगर ज़रूरी होता है। सिंग एंड सिंग फैमिली के सारे सिंगर्स ही ज़ोरदार मस्त मज़ेदार है, इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ, आप सबको बहुत मैं मिस करती हूँ, इसलिए आपसे वापस मैं कम बैक। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द सिंगर्स। और निर्मल जी कह रहे होंगे, बानो जी अपना स्पीच बंद करिए, मैं तो रेडी हूँ कब से यार लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए, देने देने के लिए SNS पर लाइव परफॉर्मेंस निर्मल जी आपके लिए। तो चलिए आप सभी का, मैं अगले वीक आप लोगों को मिलूंगी। इस बार यस आई विल वॉच ऑल योर परफॉर्मेंस आफ्टर टुडे, बट अगली बार हम खुद परफॉर्म करेंगे, आप सबके साथ रहेंगे। तब तक के लिए कीप सिंगिंग, कीप रॉकिंग। Once again, all the best to everyone, and I love you all. Okay, so bye, take care.